मैं राम सेवक, यह है मेरी कहानी। जय हिंद सर। जय हिंद अजीत सर। ये लड़का युवा योजना ज्वाइन करना चाहता है। क्या नाम है आपका? राम सेवक सर। राम सेवक, आपका स्वागत है युवा प्रोग्राम में। आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं और अपनी रुचि वाले क्षेत्र में अपनी ट्रेनिंग प्राप्त करें। जी सर। नमस्कार सर, मेरी नई जॉब। शाबाश, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। मेहनत का फल मीठा होता है जी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर मिठाई। और कहाँ लगी आपकी जॉब? सर वोडाफोन में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। और माँ बाप का भी ख्याल रखिए जी सर। और अपने जीवन को एक नई राह दीजिए जी सर। अपने पांच बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। समाज के भटके और मुसीबतों के शिकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के जरिए एक सम्मानजनक जिंदगी जीने की राह दिखाने के लिए माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 29 अगस्त 2017 को दिल्ली पुलिस के युवा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की, जो आज युवाओं की जिंदगी को संवारने के लिए एक मिसाल बन चुका है। CII दिल्ली चैप्टर के लोगों ने आकर कहा कि साहब इस काम में तो हम भी मदद कर सकते हैं अगर आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे। एंड देन ग्रेजुअली वन थिंग लेड टू द अदर। और हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को और स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह को लेकर के प्रोजेक्ट शुरू किया। We will be imparting this training now in about 30-35 police stations. Strike rate of getting jobs for these children is almost 80-90%. Therefore, I feel that there is a definite chance of this program becoming sustainable over a period of time. National Skill Development Corporation के तहत चलाई जा रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए इस युवा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। ये बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव है दिल्ली पुलिस का, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वेयर पुलिस स्टेशन में टू हेल्प इन क्राइम प्रिवेंशन इन द लॉन्ग रन वी हैव ओपन्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स फॉर द यूथ ऑफ द एरिया। पहले चरण में दिल्ली के 8 थानों से इस कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कौशल प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम ने
दिल्ली पुलिस को भी एक नई पहचान दी है, जिसका फर्क आज बखूबी दिखाई देने लगा है। पुलिस स्टेशन में ही ट्रेनिंग सेंटर स्थित हैं, तो वहाँ पे इनका सुपरविजन अच्छी तरह से होता है। पुलिस को ये लगता है कि ये उनका अपना प्रोजेक्ट है। जो यंग लड़के आते हैं, जो कि जिनके मन में पुलिस के लिए अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं, वो भी उनकी दूर होती हैं और पुलिस से उनकी एक दोस्ती होती है। कौशल के सम्मान से हौसलों की उड़ान, इसी का उदाहरण है दिल्ली की रहने वाली रंजना, जो आज एक हॉस्पिटल में काम करके एक सम्मानजनक जिंदगी जी रही हैं। लेकिन कुछ समय पहले दो छोटे बच्चों की मां रंजना पर अपने पति के अचानक छोड़ जाने की वजह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे जो हस्बैंड थे, मुझे छोड़ के चले गए थे। घर का खर्च और दो बच्चों का पालन एक नामुमकिन चुनौती बन गई थी। पति की तलाश में पुलिस स्टेशन जाने पर रंजना को दिल्ली पुलिस के युवा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानकारी मिली, तो इन्होंने यहां पर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में कौशल प्रशिक्षण लेना शुरू किया। और फिर प्रशिक्षण हासिल करने के बाद इनकी नौकरी एक हॉस्पिटल में लग गई। आज रंजना अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण भी बेहतर तरीके से कर रही हैं। रंजना की ही तरह मुसीबतों का शिकार था अनिल, जो कि अपराध के आरोप के चलते कुछ दिन जेल में रह चुका था। लेकिन ये जेल में जाना उसके लिए श्राप से वरदान बन जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जेल के दौरान ही इसे युवा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानकारी मिली। आज हुनर का विकास हो जाने से इसे उम्मीद है कि हजारों युवाओं की तरह इसकी जिंदगी को भी एक नई राह मिलेगी और ये एक सम्मान की जिंदगी जी पाएगा। क्राइम प्रिवेंट होने से नहीं, हम उसके पहले से ही कि क्राइम आदमी के दिमाग में नहीं आए, वो बिजी रह जाए, वो अपना काम कंस्ट्रक्टिवली नेशन बिल्डिंग का काम करे, इसके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। दिल्ली पुलिस के इस युवा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए एक साल में लगभग 3,000 युवाओं को हुनरमंद बनाया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें ज्यादातर नौकरी भी कर रहे हैं। इसमें पुलिस और समाज के बीच सामंजस्य बन रहा है तथा लोग समझ रहे हैं कि जिस जो युवक और किशोर अवस्था में स्कूल में अपनी पढ़ाई आगे विभिन्न कारणों से लगातार नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक उनके पोटेंशियल को यूज करके एक उनकी उनके दिशा प्रदान की जा रही है। युवा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो भी युवा नौकरी पाते हैं वो काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। युवाओं में आ रहे इस बदलाव को देखते हुए पहले साल के उत्साहजनक परिणामों से प्रेरित होकर दिल्ली पुलिस इस युवा योजना को मौजूदा 8 थानों से बढ़ाकर 20 थानों में क्रियान्वित करने जा रही है और दूसरे साल में 5,000 युवाओं को हुनरमंद बनाने के टारगेट पर काम शुरू हो चुका है। हमें इन बच्चों को ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, उनको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रेडी करना होता है और उनके स्किल और उनकी स्किल के अकॉर्डिंग सूटेबल जॉब हमें इनके लिए सर्च करनी होती है। सच में अगर अपने अंदर छुपे हुनर को युवा निखार लें, तो समाज का कोई भी युवा अपराध की राह पर नहीं जाएगा। यही कोशिश है इस युवा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जिसका फर्क आज बखूबी दिखाई दे रहा है। मैं राम सेवक और ये है मेरे दोस्त दिनेश और अकरम, जो मेरी तरह युवा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आए हैं।